भाई ने सांस आ गई है, अस्पताल ले जाओ, इलाज कराओ और इलाज को पीछो। दोस्तों ये बताते हुए बेहद ज्यादा दुख हो रहा है कि बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। और 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था। और 58 वर्षीय राजू श्रीवास्तव पिछले 41 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी माँ को तोहफे में देना चाहता हूँ। और राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। और राजू श्रीवास्तव जी कानपुर के रहने वाले थे और यूपी फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी थे। और एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10:20 में राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली है। और राजू श्रीवास्तव के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद रवि किशन समेत तमाम नेताओं और फिल्मी हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। 1 किलोमीटर गया होगा, चाचा बोलता है थोड़ा थामा थामा, ओ बेटा रोको रोको रोको। श्रीवास्तव जी ने कानपुर जैसे शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपने पैर जमाए और स्टैंड अप कॉमेडी के वे किंग माने जाते थे। और उनके निधन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपूर्णीय क्षति बताया है। और दोस्तों 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव 1993 से हास्य की दुनिया में काम कर रहे थे। उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी एवं नितिन मुकेश जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया और वह अपनी कुशल मिमिक्री के लिए जाने जाते थे। और राजू श्रीवास्तव जी को असली सफलता ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। इस शो में अपने कमाल के प्रदर्शन की बदौलत वह घर घर में सबकी जुबान पर आ गए और उनको गजोधर का किरदार भी काफ़ी पसंद आया था। और दोस्तों बात करें राजू श्रीवास्तव जी की फिल्मी करियर की, तो कॉमेडी क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों में एक छोटी सी भूमिका निभाते हुए की, जहां उन्होंने तेजाब, मैंने प्यार किया, बाजीगर फिल्म में छोटे छोटे भूमिका अदा की जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। दे दे ब्याज दे, ब्याज दे, ब्याज दे रे। और फिल्मों में करियर शुरू करने के बाद राजू श्रीवास्तव ने कई हास्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। चूंकि राजू श्रीवास्तव कई बड़े स्टार्स की हूबहू आवाज निकालना जानते थे, इसलिए उन्होंने साल 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अपनी हंसी की लोटपोट लेकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। और उसके बाद राजू श्रीवास्तव ने 2009 में भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस, प्रसिद्ध टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शो के सदस्यों का इंटरटेनमेंट किया। दादा साहब मुझे बिल्डिंग हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, एनी हाउ। और दोस्तों राजू श्रीवास्तव जी आज भी हम लोगों का खूब एंटरटेनमेंट कर रहे थे, लेकिन दुख इस बात का है कि अब बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन अभिनेता राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। तो हम लोगों की तरफ से राजू श्रीवास्तव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों और ऐसे ही जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।